नेक्स्ट कॉलर अंबाला से है, ललित हमारे साथ। स्वागत है ललित जी। हाँ ये जी, सवाल क्या है आपका? नारी शरीर में एक तो रसौली होगी छोटी छोटी सी। अच्छा रसोली हाँ जी शरीर में। हाँ जी, तो छोटी छोटी सी। आपकी उम्र कितनी है अब? कोई 49। 49। हाँ जी अच्छा देखिए, लहसुन खूब खाया करिए, अदरक खूब खाया करिए और जीरा खूब खाया करिए, खाने में ज़्यादा डलवाने लगिए। एक तो ये इलाज है, पैदल खूब चला करिए धूप में 1 घंटा और 5 बार गर्म पानी पिया करिए। ये घरेलू सब इलाज हैं। और एक वो आता है नमक, जैतून का नमक आता है, जैतून का नमक आधा ग्राम पानी मिला के रोज़ गर्म पानी में पी लिया करिए, दिन में एक बार कम से कम। तो आपकी ये बहुत टाइम लगेगा लेकिन इनका पिघलना मुमकिन है। जी। आजमगढ़ से अगले कॉलर हैं संजय हमारे साथ। स्वागत है संजय जी। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर। जी आदाब। सर मुझे सर्वाइकल है, मेरे गले में मतलब नस कट गई है ठीक है। और मैं मेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं, बेड जी पर पड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है। ठीक है। अरे कितना ऑपरेशन कराएंगे, हमें खाली अपनी उम्र बता दीजिए और कब से है इतना बता दीजिए, हम आपको ये कुछ 50 साल है। एक्सरसाइज और कुछ दवा बताते हैं। और आप थोड़ा संयम रखना क्योंकि ये दवाएं 5-10 दिन के बाद फ़ायदा कर देंगी, इतना संयम आपके अंदर होना चाहिए। और रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा करेंगी, थोड़ा सा ज़रा सा, और लेकिन 2-3 महीने होते होते आपके का रोग मुक्त होना मुमकिन है। एक तो मेहनत कोई ना करें, ठीक है, मेहनत का काम कोई ना करें। वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला बाथरूम आपके घर में ज़रूर होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। ये दो चीज़ें, एक तो, और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको रोज़ाना 4 मिनट करनी है। ये कान अपने कंधे से मिलाना है जैसे मैं मिला रहा हूँ, और 4 मिनट ऐसे ऐसे 4 मिनट। अच्छा 4-4 मिनट कोई नहीं कर सकता एक साथ, तो एक एक मिनट करके करिए, आधा आधा मिनट करके करिए, लेकिन 4 दुनी 8 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज। अब आपको दवा मैं बता रहा हूँ, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर, सुबह शाम खाना शुरू करें। 5 से 10 दिन आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे और 1 महीना ज़रूर खाएंगे। 1 महीने में आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको इत्मीनान हो जाए, लेकिन अगर पूरा भी फ़ायदा हो जाए तो छोड़ना नहीं। 3-4 महीने आपने तकलीफ़ उठाई है, आपके हाथ पैर खूब एक्टिव हो जाएंगे और बहुत दिन तक मेहनत नहीं करना, 4-5 महीने लगातार आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी बदायूं से अगले कॉलर हैं धीरज हमारे साथ। स्वागत है आपका। नीरज जी स्वागत है आपका। मैम मेरा फादर का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। उनका 4 साल हो गए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, तो उनके सर्वाइकल में चोट है 2, 3, 4 और 7 में, और इधर लंबर में 5 में है, 5 और 6 में, और वो शुगर के मरीज है। ठीक है। वो एज क्या है, 3 2 है। एज क्या है उनकी? 62। ठीक है। अच्छा उनके हाथ पैर काम करते हैं दोनों? सर थोड़े ही काम करते हैं, जो फिंगर सही से काम नहीं करती। अच्छा उनको अगर ऐसे 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 मारा जाए तो उन्हें पता चलता है, नोचा जाए हाँ कुछ? सर, हाँ हाँ सर, सेंस है, दोनों में सेंस है, बट जी आजकल उनको रात को बाथरूम बहुत ज्यादा आती है, कम से कम 15-16 बार जाते हैं, और कभी कभी मोशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, उनको बहुत ख्याल रखने वाला आप जैसा बेटा ही चाहिए और सब्र वाला इलाज है। देखिए शुगर की तो वो दवा खाते हैं, शुगर वाले को ही प्रॉब्लम होती है, और शुगर की दवा वालों को एक नुस्खा भी आता है, वो जैतून का सिरका अगर 3 चम्मच के करीब अगर पिया जाए रोज़ाना तो शुगर कंट्रोल होने लगती है, जिससे पेशाब आना कम हो जाता है।
जैतून का सिरका 3 चम्मच पानी मिलाकर पीते हैं, लेकिन मेरी नज़र उनके दूसरे मर्ज पर है जो बहुत चैलेंजिंग है। देखो बेटा, आप समझदार बच्चे हो, दवा भी बताता हूँ और कैप्सूल भी, जो असली मिल जाए वो ले लीजिए। एक दवा आती है जिसको गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद, काला गोंद नकली भी बहुत मिलता, असली लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, बस 100-200 ग्राम खरीद लीजिए। 200 ग्राम खरीद लिया तो समझ लो आपके पिताजी जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होता, ऐसा मरीजों के साथ उसका रिजल्ट है। लेकिन कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के पश्चात आप उन्हें बगैर चर्बी के दूध से, पानी से दे सकते हैं। और अगर ये नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दे सकते हैं, इसी तरह एक एक कैप्सूल। और बहुत ख्याल रखिए, अगले आइंदा 5-6 महीने में एक बहुत अच्छे रिजल्ट आपके पिताजी के। लेकिन जैसे ही वो चलने लगें और एक्टिव हो जाएं, वो मेहनत का कोई काम नहीं करें, बस काफ़ी दिन तक, जब तक डॉक्टर से मशवरा ना लें, ठीक होने के बाद हमारे डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं, हमेशा कॉल नहीं मिल पाती है, तो जब तक डॉक्टर नहीं कहें, जब तक मेहनत का काम बिल्कुल नहीं करें। जी, तमिलनाडु से अगले कॉलर हैं अनीस अहमद हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। जी सर, हजरत हकीम साहब खैरियत हैं? बड़ा ऊपर वाले का एहसान है, आप बताइए कैसे। जी हकीम साहब, मुझे, मेरी उम्र 40 साल है और मेरा मेरा जो है 50 केजी मेरा वजन है। सर मुझे क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है, 3-4 सालों से बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक। और कुछ 3-4 प्रॉब्लम और है, जैसे कि जॉइंट पेन है, जैसे कि मैं नमाज में, मैं जैसे सजदे में जाता हूँ तो मुझे घुटनों में दर्द होता है, और मुझे 3-4 साल पहले जो पीठ के नीचे के रीढ़ के नीचे की हड्डी में दर्द हुआ था, जब से मुझे वो प्रॉब्लम है। और मुझे नजला का भी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मुझे सर बाल व्हाइट हो गए, और मेरे भवे जो आंखों के ऊपर जो भवे आती है ना, वो भी सफेद हो गए, बाल थोड़े 4-5 साल सफेद हो गए। तो ये तो प्रॉब्लम था। फैटी लीवर है मुझे थोड़ा सा, और किडनी में पेन होता है थोड़ा सा, और गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम है मुझे। ठीक। जी सर, तो खाना वाना हजम नहीं होता जल्दी करके। ठीक है, खूब ख्याल रखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं। दो नुस्खे बताता हूँ आपको, दो। देखिए, आपको लेना है जैतून का सिरका, रोज़ाना रात को 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के रात को पी के सो जाया करिए। ये आपके बीपी का खबर लेगा और लीवर की खबर लेगा, और बहुत सारे फ़ायदे, पेट की प्रॉब्लम भी हल होगी, एसिडिटी, गैस, ये वो, लीवर ठीक हो जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा तजर्बा है। और जो दर्द की प्रॉब्लम है उसके लिए गोंद स्याह आता है, काला गोंद, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाया करें, जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाएं, तो आपकी ये तमाम परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अजय जबलपुर से हमारे साथ, स्वागत है अजय जी। जी मैडम। हाँ जी, बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं 4-5 महीने पहले थोड़ा जल गए थे मेरे दोनों हाथ। आपके दोनों हाथ जल गए थे, दर्द रहता है, जल गए थे? नहीं, जल गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो घाव सब भर गए सर, 5 दिन में नहीं हो गए, लेकिन जलन बहुत होती है सर। ठीक है। देखिए, अभी तो ताज़ा ताज़ा जला है, ये जलन होगी, और जब भी जलन हुआ करे तो आप बिल्कुल ठंडे पानी में या बर्फ़ हो उसमें आप अपने हाथ डाल लिया करें। जो ताज़े जले हैं या आज जले हैं या कभी जलेंगे या बहुत दिन हो गए जले हुए, जलन का एक बेहतरीन इलाज है, कुछ भी आप उस पर लगा लें, कोई हल्दी लगाता है, कोई चूना लगाता है, कोई तेल लगाता है कुछ, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ उसमें डाल दें ठंडे पानी में, फौरन जलन ख़त्म हो जाती है। इससे आपकी स्किन भी पुख्ता हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी बार बार ठंडे पानी में डालने से। और इस पर आप, वो आता है
कैस्टोल ऑयल, कैस्टोल ऑयल मतलब अरंडी का तेल हम आसान जबान में कहते हैं, ये लगाया करिए, तो इससे आपकी तमाम जलन भी ये सोख लेती है। थोड़ा टाइम लगेगा, आपने इतना बर्दाश्त किया, थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, चंद महीनों में आपका फायदा होना मुमकिन है जी। एमपी से अगली कॉलर है रुक्मणी रमन पांडे जी हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। हाँ जी जी मैडम जी, हमारे स्किन में प्रॉब्लम है, चर्म रोग टाइप का रोग है। ठीक है, एज क्या है आपकी? एज हमारी है 48 वर्ष। ठीक है जी। देखिए एक बड़ा अच्छा इलाज है स्किन का, अगर आपको ये जैतून का नमक मिल जाए, नमक जैतून, तो ये चुटकी है, इसमें जितना आता है इतना आप पानी मिला के सुबह और शाम पिया करें, ये आपको 2-4 दिन में ही फ़ायदा शुरू करेगा, लेकिन आपको महीनों लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको एस्टेक जैतून भी कहते हैं इंग्लिश में, और रसायन जैतून भी कहते हैं। ये दिन में 2-3 बार लिया जा सकता है, और ये आप लेंगे तो आपका फायदा होना मुमकिन है जी। ग्वालियर से अगले कॉलर हैं योगेंद्र जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल करिए अपना। मैं लोकेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ मैडम। हेलो जी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ मेरे को शुगर है, मेरी उम्र अभी 27 साल है। जी जी, बहुत कम उम्र है, कितने दिन हो गए? योगेंद्र यादव साहब, आप लोकेंद्र बोल रहा हूँ ग्वालियर जी। यादव साहब आपकी बात तो पहुँच गई है, अभी रास्ते में है लेकिन हमारे तक पहुंच चुकी है। आप टीवी से सुनेंगे तो हमारा जवाब भी आपको बहुत देर में मिलेगा, फ़ोन से सुनेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। योगेंद्र यादव जी, ये जो शुगर का मर्ज है, इसमें अभी तक ये है कि जिसको हो गई तो हो गई, अब ज़िंदगी भर दवा खानी है, और तंदुरुस्ती से अगर जीवन चाहिए तो वो दवा खाते रहिए, और परहेज भी करिए, पैदल भी चलिए 1 घंटा धूप में, और 5 बार पानी भी पीजिए गरम, ये भी बहुत सेहत की निशानी है। डायबिटीज़ इससे भी कम होती है, लेकिन एक नुस्खा ऐसा है जो शुगर वालों के लिए एक वरदान है, जैतून का सिरका आता है, आप 3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर, गिलास पानी में, 1 गिलास पानी मिलाकर पी लिया करिए, आप हर तरह से एक्टिव और मजबूत रहेंगे, शुगर कंट्रोल स्थिर रहेगी एक जगह, और आप बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आपको शुगर ही नहीं है, ऐसा जीवन हो जाता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। वो दवा भी खाएं जो खाते हैं, और 3 चम्मच सिरका 1 बार या 2 बार पानी मिलाकर पीना सेहत की निशानी है।